हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप स्टूडेंट्स? मैं आशा करता हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 2.1 को रिवाइज करेंगे। और एक्सरसाइज 2.1 में मैंने आपके लिए क्वेश्चन नंबर 3 लिया है, ठीक है? तो इसमें सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस, ये इक्वेशंस हैं, इनको सोल्व करना है। तो थर्ड क्वेश्चन है, उसके बहुत सारे पार्ट्स हैं, तो मैंने 3 या 4 पार्ट आपके लिए लिए हैं। तो जैसे मैंने ये फर्स्ट पार्ट लिया है, तो इसको मैं सोल्व करने की कोशिश करता हूँ। आशा आप लोग ध्यान से इसको देखेंगे, समझेंगे। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, ये 3 दे रखा है, तो इसके अकाउंट में कुछ नहीं है, तो मैं यहाँ से इसको 1 कर देता हूँ। अभी क्या करता हूँ, इस तरह के क्वेश्चन में हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है, तो इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 × 3x − 15 हो गया। फिर इसको इससे करना है, तो 3 और ये 2x, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है? उसके बाद हम लोग यहाँ से 1 को इससे करते हैं, तो क्या आएगा, 3x और −15 रहेगा। उसके बाद ये 3 को 2 से किया, तो ये 6x हो गए, ठीक है? उसके बाद हम लोग इसको इधर लेके आते हैं, तो 3x और ये 6x प्लस के, तो इधर जाके माइनस के हो गए, ये 15 इधर भेज देता हूँ, तो ये क्या हो जाएंगे आपके, प्लस के 15 हो जाएंगे, ठीक है? तो इसको और इसको सोल्व करते हैं, तो माइनस के 3x आते हैं और ये 15 आ गए, ठीक है? तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, 15 तो इधर है ही, और ये −3 को इधर भेजता हूँ, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई, तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो −3, 3 1 जा और 3 5 जा। दिस इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, क्योंकि माइनस साइन अभी ख़त्म नहीं हुआ, तो ये −5 आ जाएगा। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, −5। यहाँ से आपका आंसर क्या रहेगा, एक्स इज इक्वल टू −5 ही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स? इस तरह से हम लोग अपना ये वाला क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। अभी हम लोग ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इसको सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से इसका मैं लिखता हूँ, ये 1 है, तो इसके अपोन क्या करते हैं, 1/1 कर देता हूँ, ये 1/x हो गया, ठीक है? और फिर उसके बाद क्या करता हूँ, इसके 1/1 और −1/x हो गया। अभी क्या करते हैं हम लोग, ये 4 तो इधर था, ये मल्टीप्लाई में, और ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 2 1 जा और 2 2 जा, ठीक है? ये 2 बच गया। तो यहाँ से अभी इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम कितना आएगा इसका, x आएगा। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इसको इससे डिवाइड करते हैं, तो क्या आता है, एक्स आता है। एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो एक्स और प्लस क्या रहेगा, 1 रहेगा, ठीक है? इज इक्वल टू, इसमें एलसीएम लेते हैं, तो ये इसका एलसीएम कितना आएगा, यहाँ से एक्स आ जाएगा। तो यहाँ से एक्स −1 हो गया, ठीक है? और ये मल्टीप्लाई इसका 2 इसमें चलता रहेगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से दोनों साइड से एलसीएम को कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ से दोनों के अपन में ये ना, तो ये एक्स एक्स काट सकते हैं हम लोग। तो क्या क्या हो जाएगा, इधर ये एक्स +1 इज इक्वल टू, यहाँ से इसको इससे मल्टीप्लाई करता हूँ, तो क्या आता है, 2x और −2 आ गया, ठीक है? अब ये 2x को इधर भेज देता हूँ, तो x −2x इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा, −2 तो यहाँ पे है ही, और ये ये 1 है ना, ये इधर जाके −1 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, यहाँ से x −2x, तो −x बचेंगे, और यहाँ पर ये माइनस का 3 हो जाएगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो x इज इक्वल टू कितना आएगा आपका, ये 3 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। तो इस तरह से हम लोग ये वाला क्वेश्चन अपना सोल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अभी हम अपना फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। इसमें तो यहाँ पे दे रखा, तो इसके अपॉन में कुछ नहीं, तो इसके अपॉन में 1 कर देता हूँ। अभी क्या करता हूँ मैं, यहाँ से इसका और इसका एलसीएम ले लेता हूँ, तो एलसीएम कितना आएगा आपका, यहाँ से एलसीएम आपका आ गया 6 आ गया, ठीक है? अभी इसको इससे डिवाइड करते हैं, तो 1 आता है, तो 1 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या आता है, 1 × 5x − 4 आ गया, ठीक है? इज इक्वल टू, ये इज इक्वल टू साइन आ गया। अब इसको और इसको डिवाइड करते हैं यहाँ से, तो कितना आता है, 6 आता है, 6 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 6 × 4x + 1 हो गया, ठीक है? अब इसको फिर ये माइनस साइन यहाँ पे आ गया। उसके बाद यहाँ से इसको मैं करता हूँ, तो यहाँ से इसको डिवाइड किया, तो कितना आएगा, 3 आ गया, 3 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 यहाँ पर आ गया मल्टीप्लाई। उसके बाद ये 3x और +10 हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम हमने दोनों साइड से लिया, तो एलसीएम को हम कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद हम लोग इसको आगे सोल्व करते हैं, तो आगे सोल्व करते हैं, तो इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आएगा, ये 5x, इसको इससे किया, तो −4 आ गया। अभी इसके बाद यहाँ पे इज इक्वल टू करते हैं, तो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई किया, तो कितना, 6 को 4 से किया, तो 24x। फिर इसको इससे करना है, तो +6 आ गया। फिर −3 को इस 3x से करना है, तो -k
9 एक्स आ गए। फिर माइनस 3 को 10 से करना है तो माइनस के 30 आ गए। ठीक है, तो ये आपका ये हो गया। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से एक्स को एक तरफ लेके आते हैं तो ये 5x हो गया। फिर ये 24x इधर आ गया, इज इक्वल टू साइन, इससे इधर आएगा तो माइनस के 24x, ये 9x है, ये भी इधर जाएगा तो प्लस के 9x हो गए। अभी क्या हो गया, यहाँ से इधर ये 6 हो गया और ये माइनस के 30 हो गए, और ये माइनस के 4 थे, इधर जाके प्लस के 4 हो गए। ठीक है, अभी एक्स को करते हैं तो 5x और ये 9x, ठीक है, तो ये कितने हो गए, ये 14x हो गए, माइनस 24x, और इज इक्वल टू ये कितने हो गए, 6 और 4 10 हो गए। ठीक है, तो माइनस के 30 और प्लस के 10 हो गए। ठीक है, उसके बाद जब इसको जब सोल्व करते हैं तो यहाँ से कितना आएगा, ये माइनस के 10x, और इज इक्वल टू यहाँ से इसको सोल्व करते हैं तो कितना आता है, ये माइनस के 20 आता है। ठीक है, तो माइनस माइनस दोनों साइड्स पे कैंसिल हो गया, तो x इज इक्वल टू, क्योंकि 10 और x मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 20 डिवाइड बाई 10, तो 10 वन जा 10 टू जा, तो x वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 2 आ गई। इस तरह से स्टूडेंट्स हम अपना ये वाला क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, तो x हमारा कितना आएगा, 2 आएगा। अभी स्टूडेंट्स हम लोग इसका सेवन्थ पार्ट देख लेते हैं, सेवन्थ पार्ट में क्या होगा, यहाँ से इसको मैं आगे सोल्व करता हूँ, तो 3 को y से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या आएगा, 3y और अपॉन 4, माइनस 7 है तो 7/1 कर दिया मैंने। ठीक है, इसके नीचे फिर क्या आएगा, इसमें यहाँ से ये आपका 2 को y से मल्टीप्लाई किया तो 2y अपॉन 5 और माइनस 4/1 आ गया, और ये किसके बराबर है, 5/4 के बराबर दे रखा है। अभी हम क्या करते हैं, इसमें ऊपर जो है उसका एलसीएम ले लेते हैं, तो ऊपर एलसीएम लिया, एलसीएम कितना आ गया आपका, 4 आ गया इसका। ठीक है, तो ये 3y और यहाँ से इसको जब डिवाइड करते हैं तो ये 4 आता है, 4 को 7 से करते हैं तो माइनस के 28 आ जाते हैं। ठीक है, इसके बाद नीचे इसका एलसीएम कितना आएगा, यहाँ से नीचे इसका एलसीएम 5 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से इसको करते हैं तो ये कितना आएगा, 2y और माइनस कितने आ जाएंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 5 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 20 आ गई, और ये क्या हो गया आपके, 5/4 हो गए। अभी हम लोग क्या करते हैं, इसको उल्टा कर देते हैं, तो क्या हो गया, यहाँ से ये 3y माइनस 28 और डिवाइड बाई 4, तो मल्टीप्लाई करेंगे उल्टा हो जाएगा ये, तो क्या हो गया, 5 और ये 2y और माइनस 20 इज इक्वल टू क्या आएगा, 5/4 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें 3y माइनस 28 और ठीक है, और इसके अपॉन में यहाँ पे 5 कर दिया मैंने, और यहाँ पर इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, 2y माइनस 20 और इसके अपॉन में यहाँ पे 4 कर दिया। ठीक है, क्योंकि नीचे 4 मल्टीप्लाई हो, ऊपर 5 मल्टीप्लाई हो रहा, तो ये 5 और ये 4। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें 5/4 को इधर भेज देते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 3y माइनस 28 और ये 2y माइनस 20 इज इक्वल टू, ये 5/4 तो है ही, और ये इधर जाके 5/4 है ना, इधर जाके उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4/5, तो 4 से 4 कट गया और ये 5 से 5 कट गया, तो कितना आ गया, 1 आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से ये आ गया आपका 3y और माइनस 28, सॉरी ये 3y है, 3y माइनस 28 और ये 2y माइनस 20 इज इक्वल टू 1/1 हो गया। तो इसका मतलब क्या है, ये 3y माइनस 28 इज इक्वल टू, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, या तो ये 2y माइनस 20 हो गया। ठीक है, तो y को इधर लेके आया मैं, 3y और माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस के 20 है ये, और ये 28 इधर जाएंगे प्लस के 28 हो गए। ठीक है, तो y इज इक्वल टू माइनस के 20 है और प्लस के 28 है, तो कितना आ जाएगा, 8, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 8 आ जाएगी स्टूडेंट्स। तो इस तरह स्टूडेंट्स हम ये वाला क्वेश्चन अपना सोल्व कर सकते हैं, इसी तरह से इसको भी आपको सोल्व कर लेना है। तो ये जब हम सोल्व करेंगे तो यहाँ से एक बार देख लेते हैं, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये भी a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर खोलते हैं, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर स्क्वायर ऑफ फर्स्ट प्लस स्क्वायर ऑफ सेकेंड, ठीक है, प्लस 2 और फर्स्ट इंटू सेकेंड, ठीक है, माइनस, अभी इसको करते हैं तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 4 आ गया और प्लस 2 फर्स्ट इंटू सेकेंड। ठीक है, तो ये इस तरह से हो जाएगा, तो यहाँ से जब, और ये
लास्ट में आपका कितना आएगा, 5 आएगा। तो इसको जब सोल्व करते हैं तो ये एक्स स्क्वेयर प्लस 9 और प्लस 6x आ गया। उसके बाद यहाँ पे माइनस और ये एक्स स्क्वेयर और ये प्लस 4 और ये प्लस के 4x हो गए और इज इक्वल टू 5 हो गए। इसको जब आगे सोल्व करते हैं तो क्या आता है, यहाँ से देख लेते हैं, एक्स स्क्वेयर प्लस 9 प्लस 6x माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 4 और माइनस 4x इज इक्वल टू 5। तो एक्स स्क्वेयर से तो ये एक्स स्क्वेयर कट गया। उसके बाद 6x और ये 4x, इसको सोल्व करते हैं तो कितना आता है, 2x। अब ये 9 और माइनस के 4 है तो क्या आएगा, प्लस का 5 आएगा और इज इक्वल टू क्या आएगा, ये 5 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 2x इज इक्वल टू 5 को इधर भेज देते हैं, 5 माइनस 5 ये आ गया 0। तो इसका मतलब 2x इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू कितना आएगा, 0/2। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू आपका 0 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, इसमें 0 आंसर आना चाहिए, x की वैल्यू इसमें 0 आएगी। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम लोग ये अपना क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। अभी स्टूडेंट्स हमारा होमवर्क का टाइम हो गया, तो होमवर्क में आपको क्या करना है, रिवाइज एक्सरसाइज 2.1 इन रफ नोटबुक। आपको एक्सरसाइज 2.1 को रफ नोटबुक में बहुत ही अच्छी तरह से रिवाइज कर लेना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।